विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक प्रबुद्ध मनुष्य यही कहेगा कि हमें उसका सामना करना चाहिए, है ना? परंतु इस विषय में मेरा विचार तनिक भिन्न है। परिस्थितियां जब अधिक प्रतिकूल हो और संघर्ष में विजय की नहीं प्रियजनों के विध्वंस की संभावना हो तो संघर्ष से थोड़ा पीछे होकर सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और साथ ही तैयारी भी। जैसे मरुस्थल के पौधे अपने बीजों पर आवरण लगाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं ताकि वर्षा की फुहार आने पर वो फल फूल सके, ठीक उसी प्रकार अज्ञातवासी होना भी उचित है और रण छोड़ देना भी, क्योंकि बिना तैयारी का युद्ध आत्मघाती ही होता है। बंग, कलिंग, कौशल, मगध, छेदी सभी राज्यों से हमारे गुप्तचर रिक हाथ लौट रहे हैं। कहीं भी किसी भी राज्य से पांडवों का एक सूत्र हाथ नहीं लग रहा है। क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं है वो? ऐसे कहां अंतर्ध्यान हो गए हैं ये पांडव? युवराज की जय हो। मैं पांडवों की खोज में काशी गया था, पर काशी में भी पांडवों की कोई सूचना नहीं मिली। युवराज, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने आने का? कैसे साहस हुआ? सब मेरी असफलता का संदेश देने क्यों चले आते हैं? क्यों? और तुम्हें तो मैं युवराज, ये गुप्तचर है, केवल अपना कार्य पूर्ण कर रहा। इससे मैं शांत हो जाइए, युवराज, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 10 माह बीत चुके हैं, 10 माह बीत चुके हैं अज्ञातवास को। केवल 2 माह शेष हैं। 60 दिन अब तक उन पांडवों की सूचना नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी? और तुम अब तक यहीं खड़े हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, चले जाओ यहां से, जाओ। मेरी सफलता मुझसे दूर जा रही है। और मेरा मित्र तो मुझसे पहले ही दूर जा चुका है। और सब कह रहे हैं कि शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने की आवश्यकता है। कैसे? शांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध ही उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसका उत्साह बढ़ाता है। परंतु हाँ, क्रोध ही दोधारी तलवार है दुर्योधन। नियंत्रण में रहे तो शत्रु का नाश कर सकती है, और यदि अनियंत्रित हो तो स्वयं को घायल कर सकती है। इसलिए तुम्हारी यह क्रोध शक्ति पांडवों को ढूंढने में लगाओ। और कहा मामा जी, कहा ढूंढे उन पांडवों को? हर ग्राम, हर नगर ढूंढ लिया, जहां संभावना थी वो हर राज्य ढूंढ लिया, परंतु वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जहां ढूंढना चाहिए हमने वहां नहीं ढूंढा? हमारे किसी मित्र राज्य में? हाँ दुर्योधन, हर जगह तो नहीं ढूंढा है हमने पांडवों को,
विराट विराट में ढूंढना शेष है। विराट हमारे अधीन है और विराट का सेनापति कीचक तुम्हारा मित्र, इसीलिए हमने हमने विराट में गुप्तचर भेजे ही नहीं और अवश्य पांडव यही सोचकर विराट नगर में होंगे कि हम उन्हें वहां ढूंढेंगे ही नहीं। परंतु अब पांडव बचेंगे ही नहीं दुर्योधन, आज ही मैं अपने गुप्तचरों को विराट जाने की आज्ञा देता हूं, आज ही। नहीं, वहां गुप्तचर नहीं जाएंगे। वहां हम स्वयं जाएंगे और फिर पितामह को बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्योंकि इस बार उन पांडवों का अज्ञातवास टूटने का साक्षी मैं स्वयं रहूंगा। और फिर कीचक मेरा परम मित्र है, वो अवश्य मेरी सहायता करेगा। कीचक कहने को सेनापति है परंतु वास्तविकता में विराट का पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में। और जब तक वो पांडव नहीं मिल जाते हम कीचक के साथ विराट में ही रहेंगे। नृत्य का अभ्यास हो रहा है भांजी उत्तरा। मावश्री, आप मेरे लिए उपहार लाए? अवश्य, अपनी प्रिय भांजी के लिए भला उपहार लाना मैं कैसे भूल सकता हूं। ये क्या मावश्री, फिर से वस्त्र? ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है उत्तरा, कलिंग राज्य का सबसे श्रेष्ठ वस्त्रकार के हाथों का बुना मलमल है। जब आपको मेरे मनचाहे वस्त्र लाने ही नहीं होते हैं, तो पूछती क्यों है कि क्या मंगाना है? आप भूल गए मैंने आपसे घुंघरू मंगवाए थे। मेरी प्रिय भांजी उत्तरा, शीघ्र ही तुम्हें किसी बड़े राज्य की महारानी बनना है, फिर तुम्हारे एक संकेत पे सैकड़ों नर्तकियां अपना कौशल दिखाएंगी। तुम्हें साधारण घुंघरुओं की क्या आवश्यकता है, होने वाली महारानी हो, अपने वस्त्र आभूषण पर ध्यान देना चाहिए। इस नृत्य और वादन में क्या रखा है, इसका कोई लाभ नहीं। क्षमा चाहती हूँ सेनापति महोदय, परंतु संगीत साधना शस्त्र साधना से कम नहीं होती। वस्त्र आभूषण शरीर सजाते हैं परंतु संगीत मन को संतोष का आभूषण देता है।
शस्त्रों से किसी राज्य को तो जीता जा सकता है, परंतु संगीत मन को जीतने का माध्यम है। यदि तुम उत्तरा की शिक्षिका ना होती ब्रनला, तो मेरे समक्ष मुख खोलने का दंड मृत्यु होता। तुम्हें किन्नर हो, तुम्हें क्या भान की राजस्त्रियों का आचरण क्या होना चाहिए और राजपुरुषों का पौरुष क्या मांग रखता है। तुम तो ना पूर्ण पुरुष हो ना पूर्ण स्त्री। जाओ तो अपनी वीणा संभालो। चलिए राजकुमारी, अभ्यास पुनः प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन, कहीं से हमारे यहां होने का आभान तो नहीं हो गया? ओ भैया सुना, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन आए हैं। हाँ, सेनापति कीचक के अभिन्न मित्र हैं और अब तो वे दिग्विजय भी कर चुके हैं। स्वागत है युवराज। आशा है कि पांडव यहां नहीं होंगे। मुझे बाकी को भी जाकर सावधान करना होगा। कदाचित दुर्योधन को सूचना मिल चुकी है कि हम यहाँ पर हैं। राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात भ्राता युधिष्ठिर संकट में है। सर्वप्रथम मुझे उन्हें जाकर सावधान करना होगा। वाह कंक, तुमने तो हमें फिर से हरा दिया। तुम तो द्यूत में बड़े ही प्रवीण हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताश्री, द्यूत तो भाग्य का खेल है। नहीं पुत्र उत्तर, कंक केवल द्यूत ही नहीं जानते, कभी इनके साथ समय व्यतीत करोगे तो स्वयं जानोगे। इन्हें नीति और दर्शन का बहुत गहरा ज्ञान है। कंक, कभी कभी राजकुमार उत्तर को भी तनिक ज्ञान दिया करो। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, और वैसे भी राजकुमारों के लिए शस्त्र ज्ञान अधिक होता है, और जो कि मुझे मेरे मामा श्री कीचक भलीभांति सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कंक महोदय, मेरे मामा श्री युद्ध में अपराजय हैं। उनकी तुलना महाबली भीष्म, बलराम और महाबलशाली भीम से की जाती है। देखना, मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह बलशाली बनूंगा। नहीं राजकुमार उत्तर, एक महान राजा बनने के लिए बल से अधिक नीति और न्याय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रजा को कैसे सुखी रखना है, ऐसी भावना अधिक आवश्यक है। परंतु पिताश्री, बिना बल के प्रजा की रक्षा कैसे की जा सकती है? प्रणिपात महाराज, कुमार के धनुर्भ्यास का समय हो गया है। नकुल यहां क्यों आया था? अवश्य कि वो कुछ विशेष बात करना चाहता है। मुझे उत्तर को लेकर बहुत चिंता है कंक। क्यों महाराज, वो तो बड़ा ही बुद्धिमान बालक है। हाँ, परंतु वो कीचक की परछाई में पल रहा है। तुमसे क्या छिपा है कंक, मैं केवल नाम का ही राजा हूं। सत्य तो यह है कि कीचक का प्रभाव मुझसे कहीं अधिक है। मेरी प्रजा
मेरी सेना और स्वयं मैं भी उससे बहुत भयभीत हैं। चिंता रहती है कि कहीं राजकुमार उत्तर भी कीचक के साथ रहते रहते उसकी तरह क्रूर ना बन जाए, या यूं कहूं कि कीचक उसे राजा बनने ही ना दे। तो अपने पिता होने का कर्तव्य निभाइए महाराज, उत्तर को कीचक से दूर रखें, उसे अच्छी संगति दे महाराज। वही तो करने में असमर्थ हूं कंक, मेरा किसी पर कोई नियंत्रण नहीं, मैं केवल राजमुकुट पहनता हूं। वास्तव में राजा की शक्तियों का उपयोग तो कीचक ही करता है। नियंत्रण खोकर सब कुछ हार जाने की पीड़ा क्या होती है, असहाय होने की पीड़ा का अनुभव क्या होता है, वो तुम नहीं समझोगे कंक। जी महाराज। क्योंकि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता, युद्ध में हारने का असहाय होकर सब कुछ खो देने का अनुभव है मुझे। साईरंदरी, आज तक कितनी ही सेविकाएं आई हमारे पास, परंतु किसी में भी तुम्हारे जैसा कौशल नहीं। रूप सज्जा हो या केश विन्यास, तुमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। श्रृंगार पूर्ण हुआ महारानी, आज्ञा दीजिए, बहुत काम शेष है। अरे अभी कहाँ, हमें हमारे अन्य आभूषण कौन पहनाएगा? जी उपहास कर रहे हैं हम, तुम जाओ, आभूषण हम स्वयं पहन लेंगे। अच्छा रुको, एक बात बताओ, हम कब से तुमसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। तुम्हें इतना अच्छा श्रृंगार आता है, तुम स्वयं इतनी रूपवती हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? ये देखो कितने सुंदर केश है तुम्हारे, इसे खुला क्यों रखा है? मेरे खुले केश आप पांचों को मेरे अपमान का स्मरण दिलाते रहेंगे। क्योंकि मेरे खुले केश किसी प्रतिज्ञा से बंधे हैं महारानी। ऐसी कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा है कि इतने सुंदर केश बांधे भी ना जा सके? महारानी की जय हो, सेनापति कीचक पधार रहे हैं। कीचक, हमारा भाई, वाह, एक और विजय कर आया, हमें शीघ्र ही तैयार होना पड़ेगा। एकांत, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ? नहीं, मैं हूँ। तुम्हें वीणा बजाने और नृत्य के अतिरिक्त आता ही क्या है? राजकुल के सदस्यों को युद्ध ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। हाँ, बड़ा आया योद्धा, तुम्हें ठीक से तलवार पकड़नी तो आती नहीं है। अच्छा, मुझे सब आता है। चलो, कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय इस प्रदा से हो जाए। मेरे साथ अश्वरोहण की चुनौती स्वीकार करती हो? हाँ हाँ, चलो, तुम्हें दिखा भी दूंगी कि मुझे वीणा बजाने के अतिरिक्त बहुत कुछ आता है। सावधान रहिएगा राजकुमारी। हाँ, Thank you.
स्त्री कौन है, इसके हाव भाव क्यों मुझे किसी का स्मरण करा रहे हैं जैसे मैं इसे जानता हूं।